अपने प्रेम के तो बहुत से उदाहरण देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा प्रेम जिसमें एक साथी के चले जाने के बाद भी वो प्रेम जिंदा और अजर अमर रहे, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो एक ऐसे ही प्रेम का जीवंत उदाहरण है। जी हाँ, छतरपुर के चौबे कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक डॉक्टर बीपी चंदसौरिया ने अपनी पत्नी वंदना चौनसरिया के सपने को पूरा करने के लिए अपने 32 साल की तनख्वाह लगा दी। दरअसल वंदना का सपना था कि चित्रकूट में एक राधा कृष्ण का मंदिर बनाया जाए। उसी समय उनका देहांत हो गया, जिसके बाद 2017 में शिक्षक ने मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था। 14 मई 2017 को इस मंदिर का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया गया था। मंदिर के निर्माण के उद्देश्य हमारी श्रीमती जी का विचार था कि चित्रकूट में एक राधा कृष्ण जी का मंदिर बना के आश्रम बनाया जाए। लेकिन उसी समय जब हम लोगों ने सोचा तो हमारी पत्नी का देहांत हो गया, तो उसी की प्रतीक के रूप में, उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में हमने राधा कृष्ण का मंदिर नरसिंह धाम छतरपुर में बनाने का 13 मई 2017 को संकल्प लिया। जे हमने 6 वर्ष 7 दिन इस मंदिर को निर्माण कार्य में समय लगा है और लागत लगभग मेरी 32 साल की तनख्वाह पूरी मैंने इसमें लगा दी है। लगभग अनुमानित कितना? अनुमानित लगभग 1.5 करोड़ रुपया लग चुका है। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत और राजस्थान के कारीगरों द्वारा किया गया है, जिसे बनाने में लगभग 1.5 करोड़ की लागत लगाई गई है। बता दें कि 25 मई से 29 मई तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ चलेगा और 30 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। चौरसिया ने समारोह में सभी नगरवासियों को भी आमंत्रित किया है। हम इसमें राधा कृष्ण जी और राधा जी की सखियां ललिता विशाखा और उनके साथ में गणेश जी और परशुराम जी। अच्छा, भगवान राधा कृष्ण को ही क्यों विराजमान कर रहे हैं, क्या वजह है? राधा कृष्ण जी प्रेम के सागर हैं और प्रेम के प्रतीक हैं। उन्हें केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम की ही उन्होंने पूरी लीला की है। इसलिए आप अपने प्रेम में भगवान का प्रेम का मंदिर ही बनवा दिया। हाँ, लोग सदियों तक याद, सदियों तक याद रखें और हमारे पत्नी जो स्वर्गवासी हो गई थी उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं समाज के अपने युवा वर्ग को यह संदेश देना चाहता हूँ कि शादी के बाद जो बंधन होता है उसमें केवल प्रेम ही सब कुछ है और छोटी छोटी बातों में प्रेम को न छोड़ा जाए और न पत्नी को छोड़ा जाए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।